हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ इस वीडियो में समर होमवर्क सब्जेक्ट इंग्लिश का। इससे पहले हमने हिंदी और मैथ का देखा था, तो तीनों ही सब्जेक्ट्स के आपके समर होमवर्क उपलब्ध हैं। तो हमारे चैनल पर आपको बाकी सब्जेक्ट से रिलेट होमवर्क मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश का होमवर्क। तो कम्प्लीट वर्कशीट इसी वीडियो में हम देखेंगे, तो जुड़े रहिए एंड तक ताकि आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाए और आप अपना जो होमवर्क है अपनी नोटबुक में कर सके, क्योंकि ये जो होमवर्क है आपके टीचर्स के थ्रू आपका चेक किया जाएगा। तो ये सभी होमवर्क आपको करने अनिवार्य हैं अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें दे रखा है राइट वर्ड्स दैट बिगिन विद द गिवन लेटर। आपको कुछ लेटर गिविन है जिससे स्टार्टिंग होते हुए वर्ड्स लिखने हैं। जैसे एस दे रखा है तो एस से बना देंगे हम हैट, सी से कैट, ई से आई, एम से मून, बी से बनाना, आर से रैबिट, एस से स्कूल, टी से टेबल, ओ से ऑरेंज, यू से अम्ब्रेला। तो इस तरह से आपको वर्ड क्रिएट करने हैं। जैसे मैंने लिखे हैं आप ये भी लिख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी आप वर्ड्स लिख सकते हैं अगर आपको आते हैं। तो ये था वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें है मेक न्यू वर्ड्स। आपको एक वर्ड दे रखा है, देखिए बॉक्स में एन, तो इससे आपको क्या करना है, लेटर के थ्रू न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं एन से, अट से। तो यहाँ एन से बनाएंगे फैन, रैन, पैन, कैन। इसी तरह से अट से बनाएंगे यू टी, अट से बनाएंगे कट, शर्ट, बट, पुट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ वर्ड्स बनाने थे हमें। तो ये था वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, बहुत इजी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें है फिल इन दी ब्लैंक विद दी वर्ड्स गिविन इन दी बॉक्स। बॉक्स में आपको वर्ड्स गिविन है, इससे आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है इन दिए गए वर्ड्स से। इन, ऑन, अंडर, इनटू का यूज़ करना है, ये प्रीपोजिशन भी कहे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली प्रीपोजिशन का यूज़ करना है रिक्त स्थान में यानी ब्लैंक्स में। तो यहाँ है द रेट इज ब्लैंक द केस। अब रेट कहाँ पर है, केस यानी जे जो जाल होता है रेट को पकड़ने का, उसमें कैद है। तो यहाँ पर अंदर के लिए यूज़ होगा हमेशा इनका। आपको चित्र भी दे रखा है, आप समझ सकते हैं। तो चारों तरफ से घिरी हुई अगर चीज़ है तो हमेशा इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे द रैट इज़ इन द केस। द बॉल इज़ ब्लैंक द टेबल। अब बॉल कहाँ है, टेबल के नीचे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई वीडियोज़ में कि नीचे के लिए हमेशा यूज़ होता है अंडर का, पेड़ के नीचे या टेबल के नीचे, बेड के नीचे, तो हमेशा यूज़ करेंगे अंडर का। तो यहाँ पर अंडर द टेबल हो जाएगा। ही स्विमिंग ब्लैंक द रिवर। अब स्विमिंग कर रहा है कहाँ पर, रिवर में। तो चारों तरफ से घिरी हुई है रिवर, उसके अंदर है जो भी स्विमिंग कर रहा है, तो यहाँ पर है इनका यूज़ करना है हमें। ई इज़ स्विमिंग इन द रिवर। अंदर के लिए हमेशा इनका यूज़ करना है, बैग के अंदर। ठीक है, अगर बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है या अंदर से बाहर की क्रिया हो रही है तब इनटू का यूज़ करते हैं। ही जंप्ड ब्लैंक द रिवर। अब बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है, देखिए रिवर में जंप कर रहा है, करता है, तो यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे, इनटू द रिवर। द बुक्स आर ब्लैंक द बैग। अब बुक्स कहाँ पर है, बैग के अंदर है ना, तो यहाँ पर अंदर के लिए यूज़ करेंगे इन, इन द बैग। द बुक्स आर इन द बैग। रितु केम ब्लैंक द रूम। अब रितु बाहर से अंदर आई है ना, तो क्रिया हो रही है बाहर से अंदर की, तो यहाँ पर हो जाएगा इन टू, रितु केम इन टू द रूम। सेवेंथ है द बर्ड्स आर ब्लैंक द नेस्ट। अब बर्ड्स कहाँ पर है, नेक्स्ट में यानी घोंसले के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द नेस्ट, द बर्ड्स आर इन द नेस्ट। नेक्स्ट है रोहन इज स्टैंडिंग ब्लैंक द टेबल। रोहन कहाँ पर है, टेबल के ऊपर खड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन द टेबल, रोहन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। शीला इज पुटिंग द बुक्स ब्लैंक हर बैग। तो यहाँ बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है, रख रही है बुक को बाहर से अंदर बैग में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू हर बैग, शीला इज पुटिंग हर बुक्स इनटू हर बैग। और लास्ट सेंटेंस है लॉइन इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री। ट्री के नीचे बैठा है लॉइन, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर द ट्री, लॉइन इज सिटिंग अंडर द ट्री। ट्री के नीचे, ट्री की छाया में, तो हमेशा अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली यूज़ करना सीखा इन, ऑन, अंडर, इनटू का। उम्मीद है आपको सभी प्रीपोजिशन के यूज़ समझ आ गए होंगे और आगे से आप कभी भी इनका यूज़ गलत तरीके से ना करके इसी तरह से करेंगे। तो ये था वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें है फिल इन दी ब्लैंक्स विद विल और शैल। विल और शैल का यूज़ करना है, जो कि बेसिकली कब यूज़ किए जाते हैं, फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पर हम देखेंगे यूज़, फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है विल और शैल का।
तो शैल का यूज़ होता है आई वी के साथ, सभी के साथ में, बाकी जो बचते हैं उनके साथ में यूज़ होता है विल का। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको फिल करना है विल और शैल को। तो फर्स्ट सेंटेंस है दे ब्लैंक गो टू उदयपुर नेक्स्ट वीक, दे के साथ में यूज़ करेंगे विल का, दे विल गो टू उदयपुर नेक्स्ट वीक। सेकेंड है यू ब्लैंक टेक पार्ट इन ड्रामा, तो यहाँ यू के साथ में यूज़ करेंगे विल का, यू विल टेक पार्ट इन ड्रामा। थर्ड है आई ब्लैंक राइट अ स्टोरी, तो ये आई के साथ में यूज़ करेंगे शैल का, आई शैल राइट अ स्टोरी। फोर्थ है वी ब्लैंक प्ले अ मैच टुमारो, तो यहाँ वी के साथ में यूज़ करेंगे शैल का, वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। आपको ये ध्यान रखना है आई वी के साथ में शैल का यूज़ करना है ग्रामर जब यूज़ कर रहे हैं हम तब, और बाकी सभी के साथ में आपको विल का यूज़ करना है। शी ब्लैंक डांस इन एनुअल फंक्शन, तो यहाँ यूज़ करेंगे विल का, शी विल डांस इन एनुअल फंक्शन। सिक्स्थ है प्रीति एंड लक्षिता ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग इन असेंबली, तो यहाँ यूज़ करेंगे विल, प्रीति एंड लक्षिता विल सिंग अ सॉन्ग इन असेंबली। सेवन्थ है इट विल ब्लैंक बी वेरी इजी फॉर मी, तो यहाँ हो जाएगा इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। एट्थ है आई, तो आई के साथ में मैंने बताया था शैल का यूज़ करना है, आई शैल ड्रॉ अ पेंटिंग। नेक्स्ट है वी ब्लैंक ओवरकम सम डे, तो यहाँ वी के साथ में भी शैल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वी शैल ओवरकम सम डे। टेंथ है यू ब्लैंक विन द रेस दिस ईयर, तो यहाँ यू के साथ में यूज़ करेंगे विल का, यू विल विन द रेस दिस ईयर। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें हमने विल और शैल का यूज़ करना सीखा। विल का सभी के साथ में यूज़ होता है और शैल का यूज़ करना आपको हमेशा आई और वी के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से ये था वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन, इसमें क्वेश्चन है मेक सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड्स गिवन इन दी बॉक्स, आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है जिससे आपको सेंटेंस को क्रिएट करना है। जैसे पॉन्ड से क्रिएट कर रखा है दिस इज अ पॉन्ड, इसी तरह से हम लिखेंगे दिस इज अ काउ, दिस इज अ स्टोरी बुक, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ जार, दिस इज अ की, दिस इज अ बर्ड, दैट इज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अ बॉक्स, तो इस तरह से आपको वर्ड्स जो गिविन थे इनसे आपको इसी तरह से वर्ड क्रिएट करने थे, क्योंकि दैट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दिस का ही यूज़ किया हुआ है, बता रखा है। तो इसी तरह से आपको क्रिएट करना है, बहुत ईजी है ये भी, इज अ और वर्ड को लिख देना है, ठीक है। दिस इज अ बॉक्स, इसी तरह से हमें लिख देना है। तो ये था वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट वर्कशीट देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश का, इसी तरह से आपके कंप्लीट हो जाएगा सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो लास्ट वर्कशीट सिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स गिवन है जो कि प्रीपोजिशन है ओवर, इनटू, इन, आफ्टर, अंडर। तो मैंने आपको पिछले वर्कशीट में भी इनका यूज़ बता रखा है, आफ्टर नहीं आया था वहाँ पर, तो आफ्टर और ओवर का यूज़ यहाँ हम देखेंगे, बाकी सभी तो इन, इनटू, अंडर का तो हमने पहले भी देख रखा है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ हम समझेंगे ओवर, इनटू, इन, आफ्टर, अंडर का यूज़ करना। तो फर्स्ट सेंटेंस है द बॉयज़ आर ब्लैंक द क्लास, अब बॉयज़ कहाँ पर बैठे हैं, क्लास के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा इन, द बॉयज़ आर इन द क्लास। द हॉर्स जंपिंग ब्लैंक द वॉल, अब हॉर्स जंप कर रहा है वॉल के ऊपर से, टच तो नहीं कर रहा है, ऊपर से कर रहा है, तो ऊपर के लिए हमेशा यूज़ करते हैं ओवर, जो कि चीज़ जो टच नहीं होती है, जैसे बेड के ऊपर लाइट लगी हुई है, बेड के ऊपर पंखा है, तो इसको यूज़ करेंगे हम ओवर का। तो यहाँ पर द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर दी वॉल हो जाएगा। थर्ड है द डॉग इज़ रनिंग ब्लैंक दी कैट, द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर द कैट, अब कैट के पीछे भाग रहा है ना डॉग, तो पीछे के लिए हमेशा यूज़ करते हैं आफ्टर का, या बाद के लिए भी यूज़ करते हैं हम हमेशा आफ्टर का। थीफ के पीछे पुलिस भाग रही है तो आफ्टर का यूज़ करेंगे, संडे के बाद अगर आ रहा है मंडे तो भी आफ्टर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आफ्टर का प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर द कैट। फोर्थ है राधा इज़ पुटिंग हर बैग बुक्स ब्लैंक दी ब्लैंक हर बैग, तो यहाँ पर बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है तो इनटू का यूज़ करना है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है सेम सेंटेंस, राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स इनटू हर बैग। फिफ्थ है द डॉग इज़ सिटिंग ब्लैंक दी कार, अब कार के नीचे बैठ रहा है डॉग, तो यहाँ पर हम नीचे के लिए यूज़ करेंगे अंडर प्रीपोजिशन का, द डॉग इज़ सिटिंग अंडर दी कार। तो इस तरह से हमने यूज़ करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर आपको सूटेबल प्रीपोजिशन लिखने हैं, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, अब बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है तो यहाँ इनटू का यूज़ करेंगे, द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। मीना इज सिटिंग ब्लैंक द बेड, अब कहाँ पर बैठ रही है, बेड के ऊपर बैठ रही है ना, तो टच करते हुए बैठ रही है तो ऑन का यूज़ करेंगे, बुक्स टेबल पर रखी हुई है तो ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा, मीना इज सिटिंग ऑन दी
पैर। शी इज स्लीपिंग ब्लैंक अ ट्री, अब ट्री के नीचे सो रही है, तो यहाँ पर नीचे के लिए यूज करेंगे अंडर प्रीपोजिशन का, शी इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। फोर्थ है बीना इज स्टैंडिंग ब्लैंक द बस स्टॉप, अब किसी जगह पर हम अगर खड़े हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है एट का, एट द गेट, एट द डोर, एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा, बीना इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। और लास्ट सेंटेंस है मंडे कम्स ब्लैंक संडे, तो अब संडे के बाद आता है मंडे, तो यहाँ पर यूज होगा आफ्टर का, ठीक है। अगर संडे होता संडे कम्स तो हो जाता बिफोर मंडे, ठीक है, पहले आता है मंडे से संडे, और संडे मंडे कब आता है, बाद में आता है, तो बाद के लिए यूज़ करना है हमें आफ्टर प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पर हो जाएगा मंडे कम्स आफ्टर संडे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यूज़ करना सीखा इन, इनटू, ओवर, आफ्टर, अंडर का। उम्मीद है आपको सभी प्रीपोजिशन के यूज़ करने आ गए होंगे और आगे से आप इन प्रीपोजिशन का यूज़ अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन, इसी तरह हमने इस वीडियो में देख लिया है कंप्लीट वर्कशीट 6 तक का सॉल्यूशन, जो कि आपका होमवर्क दिया गया था, समर होमवर्क। तो यहाँ पर वर्कशीट 6, वर्कशीट 5, वर्कशीट 4th, वर्कशीट 3rd, वर्कशीट 2nd एंड वर्कशीट 1st का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये समर होमवर्क, जिसमें हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के होमवर्क देखे हैं। उम्मीद है आपको सभी वीडियोस अच्छे से समझ आए होंगे, सभी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी। तो और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।